खुशी बुटीक स्पेशल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सलवार में 8 जरूरी बातें बताऊंगी कि आप सलवार सीते समय कहाँ पे गलती कर देते हैं। तो इन 8 बातों को जरूर से गांठ बांध के रखिएगा आप, तब तो आपकी सलवार की जो फिटिंग है वो बिल्कुल सही आएगी और बिल्कुल सही रहेगी आपकी सलवार। ना ही घूमेगी, ना ही पोंछे पे गिरेगी और ना ही आपकी जो सलवार है वो पीछे की साइड जाएगी और ना ही पीछे से सलवार उठेगी। ये जो बहुत सारी गलतियां हो जाती है सलवार में, ये मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना है। और सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है, इसी नंबर से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और सिलाई के पैटर्न आपको लेने हैं तो भी आप इसी नंबर से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि सलवार सिलते समय क्या क्या गलती हो जाती है और ये आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैंने 36 इंच ये सलवार रेडी की है। इसके बारे में मैं आपको पहली बात बता देती हूँ कि कहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए, तो आपकी जो सलवार है वो प्रेस करते वक्त सही रहेगी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप सलवार को सिलते हैं, कलियां जोड़ लेते हैं, उसके बाद आप जब प्लेट डालते हैं तो वहां पे गलती हो जाती है। प्लेट डालते समय आपको इस तरह से यहाँ पे कट लगा लेना चाहिए, आपको कली जोड़ के और दोनों साइड कट लगा लेने हैं और वो जो कट आप लगाएंगे यहाँ पे आपको प्लेट डालनी है। और प्लेट भी आपको यहाँ जो साइड से जो प्लेट डालते हैं इससे थोड़ी सी आधा इंच बड़ी प्लेट डालनी है। तो ये जो आप प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये बहुत सीधी आ जाएगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ सलवार में कहाँ पे गलती होती है। जब आप सलवार के पोंचे बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है, कहीं पे झोल होता है, कहीं पे कोई डिजाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं आ पाती है। तो सलवार के पोंचे में सफाई आना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इस तरीके से इसमें बारीक चाल होनी चाहिए और जो सिलाई है आपकी बारीक बारीक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर पोंचे में सफाई आएगी और सलवार की जो ये जो प्लेट है इस पे आप प्रेस करेंगे तो ये सलवार आपकी बहुत ही सुंदर लगेगी। और तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि आप जब पोंचे के नीचे की सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे जो सिलाई लगाते हैं और सिलाई लगाने के बाद जब आप इस तरह से खींचते हैं तो सिलाई टूट जाती है और फिर आप दोबारा से सिलाई लगाते हैं यहाँ पे, तो दोबारा से सिलाई लगाई हुई होती है वो भी टूट जाती है। तो ये तीसरा कारण है, यहाँ पे जो सिलाई लगाते हैं वो सही नहीं आती है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो ये सिलाई आपको किस तरीके से लगानी चाहिए ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगली बात मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप कुर्ती की हिप बनाते हैं, अगर आपने कुर्ती की 19 इंच हिप बनाई, 21 या 21.5 का, 2 या 2.5 इंच का आप बेल्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आप 19 इंच की हिप बनाएंगे और 19 इंच का बेल्ट बनाएंगे तो ये बैठने उठने में दिक्कत करेगा, इसीलिए हमें कुर्ती के हिप से 2 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए, 2 या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और अगली बात मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको 36 इंच सलवार बनानी है इस तरह से, तो आपको 37 इंच लंबाई के हिसाब से सलवार कटिंग करनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेके और 37 इंच के हिसाब से आप कटिंग करेंगे। और जब आप यहाँ पे बेल्ट जोड़ेंगे तो बेल्ट को आप आगे से छोटा कर देंगे, आपको बेल्ट को इस तरीके से रख लेना है रेडी करके। और देखिए, आगे से बेल्ट छोटा है और पीछे से बड़ा है। देखिए, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, यहाँ जो आगे की सिलाई होती है प्लेटों के बीच में से, यहाँ से 4.5 इंच का बेल्ट है और यहाँ पीछे वाली जो प्लेट है यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ बेल्ट की लंबाई, यहाँ पे 5.5 इंच है। तो इस तरह से आपको बेल्ट रेडी करना है ताकि आपकी जो सलवार है वो पोंचे पे नहीं गिरेगी। और अगली बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप पीछे प्लेट डालते हैं सलवार के, यहाँ बैक में जो प्लेट डालते हैं ये आपको कितने इंच कपड़े की डालनी चाहिए। अगर आप इसमें कम कपड़े की प्लेट डाल देंगे तो यहाँ पे जो पीछे का खिंचाव है वो ज्यादा हो जाएगा कपड़े का और यहाँ से सलवार फट जाएगी, तो इसीलिए आपको 4 या 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है बैक में प्लेट डालने के लिए। और अगली बात मैं आपको बता देती हूँ, अगली और लास्ट बात, कि इसमें आपको जैसे आप बेल्ट में प्लेट डालते हैं सलवार में, सलवार की जो प्लेटें आप डालते हैं ये आपके बेल्ट से कम होनी चाहिए, बेल्ट जितना भी होता है इससे आधे से कम में होनी चाहिए ये प्लेटें, इतना इतना कपड़ा दोनों साइड बच जाना चाहिए, 1 या 1.5 इंच।
इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ये भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सलवार की जो गलतियां हैं वो बताई है। इन गलतियों को सुधार के अगर आप सलवार सिलेंगे तो आपकी जो सलवार है वो बिल्कुल सही सिलेगी, ना ही पीछे की साइड जाएगी, ना ही घूमेगी और ना पोंचे पे गिरेगी। तो इस तरह से आप अपनी सलवार बना सकते हैं। इनके बारे में जो आपको वीडियो देखने हैं, जो मैंने सलवार के बारे में जो वीडियो बनाए हैं, जो मैंने आपको बताया कि एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, यहाँ पे है ये प्लेलिस्ट, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो खुशी बुटीक स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।